सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एकदम ही आप लोगों को हाई लेवल का हेयर एडिटिंग सिखाने वाला हूं। जो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप लोग अपना फोटो को भी एडिटिंग कर सकते हो, जो देखने में दोस्तों देख सकते हो जो हमारा पीके काफ़ी हाई लेवल का दिख रहा है और कितना मस्त दिख रहा है। जो हमारा हेयर है उसको देख सकते हो काफ़ी हाई क्वालिटी का है और एकदम प्रोफेशनल तरीके से लग रहा है। बिफोर हम लोगों का पीक कुछ इस टाइप से था दोस्तों, जिसको हम लोगों ने हेयर एडिटिंग करके कुछ इस टाइप से किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फाइनली जो हमारे वीडियो है दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो भी पीक है जिसको हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं उसको देख सकते हो, फाइनली हम लोगों को अपना लाइट रूम में ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों का भाई एक प्रीसेट दे देगा, जो ये वाला प्रीसेट है दोस्तों, इस प्रीसेट का लिंक आप लोगों को फाइनली नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रीसेट को ओपन कर लेने के बाद देन हम लोगों को जाना है अपना थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाके दोस्तों हम लोग को एक ऑप्शन शो जाएगा कॉपी सेटिंग का, इस पर क्लिक कर लेना है। देन ऊपर पे राइट का आइकन शो होगा दोस्तों, इस पर क्लिक करके प्रीसेट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मॉडल है दोस्तों, फाइनली इसको हम लोगों को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ देन फिर से जाना है थ्री डॉट पे, और यहाँ से दोस्तों उसके बाद हम लोगों का पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर हम लोगों को पेस्ट कर लेना है। फाइनली देख सकते हो प्रीसेट को हम लोग पेस्ट करते ही जो हमारा पीक है उस पर एकदम से अलग सा लुक आ चुका है दोस्तों। उसके बाद करना क्या है, यहाँ जाना है सिंपल से स्टेप अपना कलर पे, देन मिक्स पे, और जो हम लोगों का ये यहाँ देख सकते हो ब्लू कलर है दोस्तों, उसका हम लोगों का हुई को यहाँ पूरा माइनस कर लेना है। ठीक है, जो ये वाला है, ठीक है, देख सकते हो इसका हुई को पूरा माइनस कर लेंगे ताकि जो हमारा शर्ट का जो रियलिस्टिक कलर है वो वापस आ जाए। उसके बाद यहाँ फेस का कलर है उस पर जाना है, हम लुमिनेस थोड़ा इंक्रीज करेंगे, सेचुरेशन डिक्रीज कर लेंगे। सेकेंड वाला कलर का भी लुमिनेस थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और सेचुरेशन थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेंगे। आफ्टरऑल देख सकते हो उसके बाद जो हम लोगों का पीक है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा दोस्तों। उसके बाद देन यहाँ हम लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, देन जाना है अपना है शेयर वाले ऑप्शन पे, और फाइनली इस पिक को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है सेव टू डिवाइस। उसके बाद दोस्तों इसका बाकी का एडिटिंग करेंगे हम लोग अपना एडोब स्केच बुक के अंदर, वहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को हाई लेवल का हेयर एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो हम लोगों ने अभी अपना लाइट रूम से पिक सेव किया था, देन उस वाले पिक को हम लोगों को अपना एडोब स्केच बुक में ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को सबसे पहले हेयर एडिटिंग कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए देन हेयर एडिटिंग करने के लिए जाएंगे हम लोग अपना ब्रश वाले ऑप्शन पे, और ब्रश वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, और ब्रश कौन सा लेना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। तो हेयर एडिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये वाला ब्रश लेना है। ये वाला ब्रश को ले लेने के बाद दोस्तों आप लोग सेटिंग देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो सेटिंग आप लोगों को कुछ इस टाइप से रखना है, देख सकते हो परफेक्ट सेटिंग है दोस्तों हेयर एडिटिंग करने के लिए, आप लोगों को कुछ इस टाइप से रखना है। और ये वाला आप लोगों का देख सकते हो सेटिंग है, इसको आप लोगों को इसमें रखना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। फाइनली इसके बाद आ जाते हैं बैक, बैक आ जाने के बाद दोस्तों अब जो हमारा मॉडल का शेप क्रिएट करना है पहले तो हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जब भी अपना हेयर को एडिटिंग करो तो आप लोगों को ऊपर के साइड को कुछ इस टाइप से अपना हेयर को पहले शेप करके यहाँ कुछ इस टाइप से शेप क्रिएट कर लेना है। देख सकते हो मैं किस टाइप से कर रहा हूँ। तो आप लोग जिस भी तरीके से आप लोग अपना हेयर को एडिटिंग करना चाहते हो दोस्तों, उसी तरीक़ा से आप लोगों को कुछ इस टाइप से अपना हेयर का जो डिज़ाइनिंग है उसको पहले बना लेना है। तो हमारा जो मॉडल का हेयर है वो देख सकते हो फाइनली कुछ इस टाइप से है, तो हम लोग जो अपना हेयर है उसको पहले कुछ इस टाइप से डिज़ाइनिंग करेंगे दोस्तों, जो इस ब्रश के मदद से। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कितना हार्ड लेवल का आप जो हमारा हेयर है वो दिख रहा है इतने में ही जस्ट। तो दोस्तों आप लोग जब भी अपना हेयर को एडिटिंग करो तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे के करना है, तभी आप लोगों का जो हेयर है यार एकदम रियलिस्टिक तरीके से हो पाएगा और एकदम हार्ड लेवल का होगा। अगर आप लोग जल्दी जल्दी से करोगे दोस्तों तो आप लोग कभी भी अपना हेयर को एकदम प्रोफेशनल और रियलिस्टिक तरीके से नहीं बना पाओगे। यहाँ देख सकते हो मैं किस तरीके से अपना हेयर का जो स्टाइल है पहले उसको बना ले रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ना दोस्तों कुछ इस ब्रश के मदद से कुछ इसी तरीके से आप लोगों का जो हेयर है उसको यहाँ शेप क्रिएट कर लेना है। ठीक है, हो चुका है दोस्तों। अब इसमें हम लोगों को टेक्सचर ऐड करना है दोस्तों। ठीक है, टेक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ हम लोग फिर से जाएंगे अपने यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे। उसके बाद जो हम लोगों का ब्रश है उसको हम लोगों को चेंज करना है दोस्तों। यहाँ सबसे ऊपर की तरफ आ जाएंगे हम लोग स्क्रॉल करके, देन हम लोगों को अपना यहाँ देख सकते हो ये वाला ब्रश लेना है, और सेटिंग फाइनली आप लोगों का देख सकते हो कुछ इस टाइप से रखना है। इससे आप लोगों को बड़ा नहीं रखना है, एक एक रख सकते हो या तो उससे कम रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम लोग बैक, बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ आप लोगों को जाना है यहाँ देख सकते हो यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को चूज़ कर लेना है वाइट कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप लोगों को सबसे पहले वाइट कलर में जो अपना यहाँ हेयर का डिज़ाइनिंग है उसको बना लेना है कुछ इस टाइप से। यहाँ देख सकते हो मैं किस टाइप से बना रहा हूँ।
उसके बाद दोस्तों इसको मैं आप लोगों को और रियलिस्टिक तरीके से बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले व्हाइट कलर चूज़ करके, जो अपना हेयर का शेप है उसको यहाँ व्हाइट कलर चूज़ करके कुछ इस टाइप से शेप को डिज़ाइनिंग कर लेना है, जो देखने में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी मस्त लगेगा। देख सकते हो इतने में ही जो हमारा फीके काफ़ी हार्ड लेवल का लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को भी ना कुछ इसी तरीके से, आप लोग जिस भी तरीका से अपना हेयर का डिज़ाइनिंग को देना चाहते हो तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को जो अपना हेयर का डिज़ाइनिंग है उसको कर लेना है, यहाँ देख सकते हो इस ब्रश के मदद से दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे मेरे बहुत से दोस्तों हैं यार जो आकर वीडियो को देख कर चले जाते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके लाता रहता हूँ भाई, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ एक लाइक ही कर देना, इससे मेरा भी मोटिवेशनल बना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बनाने में जितना मेहनत लगता है कि आप लोग पूछो ही मत, हर एक चीज़ सेटिंग को मुझे देखना पड़ता है कि किस तरीका से कौन सा ब्रश वर्क कर रहा है, किस सेटिंग से हम लोग कैसे करेंगे तो हम लोगों का इस तरीका से जो हम लोगों का हेयर है वो बनेगा। तो इससे बहुत से टाइम लग जाता है दोस्तों, इसीलिए बोलता हूँ यार कि चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो ये हम देख सकते हो हम लोगों ने अपना शेप है जो कुछ इस टाइप से डिज़ाइनिंग कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे ये वाले एरिया है उसको भी हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का से यहाँ डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इतना जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग को जो अपना हेयर है उस पर रियलिस्टिक टोन डालना है, तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे दोस्तों, फिर से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से दोस्तों अब हम लोग को चूज़ करना है अपना ब्लैक कलर, और देन क्या करेंगे यहाँ से हम लोग फिर से रोटेट करेंगे अपना हेयर है, और उसके बाद हम लोग को फिर से अपना हेयर पे कुछ इस टाइप से यहाँ अप्लाई करना है, जो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो हेयर है एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा टेक्सचर के साथ और काफ़ी हार्ड लेवल का होगा दोस्तों। देख सकते हो आप लोगों को मैं एकदम लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि इतना मस्त लगेगा कि आप लोगों का हेयर जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग भी करोगे ना दोस्तों, और जो सेटिंग मैं आप लोगों को बताया हूँ सेटिंग को आप लोग कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोग जब भी अपना हेयर को एडिटिंग करोगे तो आप लोगों का जो हेयर है एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, जो देखने में दोस्तों काफ़ी मस्त लग रहा है। देख सकते हो यार हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी से समझा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद इस हेयर को हम लोगों को एकदम रियलिस्टिक टोन भी देना है, ठीक है। जो हम लोगों को यहाँ देख सकते हो किनारे किनारे पे यहाँ पे दिख रहा है, जो अलग अलग दिख रहा है ना, इसको मैं आप लोगों को परफेक्ट तरीके से मैचिंग भी करके दिखाऊँगा, ठीक है। वो कैसे करना है वो भी बताऊँगा, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। जो हमारा हेयर है उस पर हम लोग कुछ इस टाइप से अपना जो ब्लैक कलर अभी चूज़ किए हैं उसको कुछ इस टाइप से पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ जो अपना वीडियो है उसको थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा, वैसे भी मैं यहाँ ब्रश को चलाऊँगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों देख सकते हो जो हमारा हेयर है वो काफ़ी मस्त हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब बारी आती है जो हमारा मॉडल का फेस है उसको स्मूथ करने का, ठीक है। जो हमारे हेयर है वो तो एडिटिंग हो चुका है, देख सकते हो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा और हम लोग हेयर एडिटिंग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम लोगों को जो सबसे पहले अपना जो मॉडल का ना यहाँ देख सकते हो फेस को इसको स्मूथ करना पड़ेगा, तो यहाँ इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अब जो हमारा मॉडल का फेस उसको स्मूथ करके दिखा रहा हूँ। तो फेस को स्मूथ करने के लिए फिर से जाएंगे ब्रश पे, और यहाँ आप लोग प्रोफेशनल तरीके से एकदम हाई लेवल का फेस को स्मूथ करना चाहते हो तो यहाँ आप लोगों को ब्रश लेना है स्मज राउंड ब्रश, और सेटिंग आप लोगों को कुछ इस टाइप से रखना है जो फेस स्मूथ के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग है दोस्तों। और जब भी आप लोग फेस को स्मूथ करो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जूम करना है, मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ। तो फाइनली आप लोग जितना ज़्यादा जूम करके अपना फेस को स्मूथ करोगे उतना हाई लेवल का आप लोगों का जो फेस है वो स्मूथ होगा। यहाँ देख सकते हो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ और लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहता है दोस्तों, लंबा ही रहता है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताता हूँ एकदम रियल तरीके से बताता हूँ। भाई आप लोग आते हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आता हूँ तो कुछ सिखाऊंगा ही तभी ना यार, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कितना हाई लेवल का। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों जो अपना फेस है ना उसको आप लोगों को जूम करके करोगे तो आप लोगों का जो फेस है एकदम हाई लेवल का स्मूथ होगा। हर एक चीज़ आप लोगों को मैं बारीकी से समझाता हूँ दोस्तों, देख सकते हो एकदम हार्ड लेवल का जो हम लोगों का हेयर है वो बन चुका है। इसके बाद जो हम लोगों का फेस है स्मूथ कर लेते हैं, उसके बाद ही देखना दोस्तों कि हम लोगों का जो पीक है काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लगेगा यार। तो इतना तो हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है हम लोगों को ये वाला पार्ट्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, ब्रश का साइज़ को हम लोग कुछ इतना 18% के आसपास रखेंगे, और जैसे हम लोगों का नोच है उसी तरीके से हम लोग को ब्रश को चलाना है, यहाँ देख सकते हो सीधा सीधा, और इस तरह को हम लोग को कुछ इस तरीके से चलाना है ब्रश को, ठीक है। पहले हम लोग को सीधा चलाना है, उसके बाद कुछ इस टाइप से चलाना है जैसे हम लोग का शेप है उसी तरीके से दोस्तों, तभी हम लोग का जो यहाँ रियलिस्टिक तरीके से लगेगा, वरना फेंक लगेगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम देखेगा ना तभी आप लोग एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपना जो हेयर एडिटिंग फेयर स्मूथ
सारा चीज़ आप लोग भी एकदम आसान तरीके से कर पाओगे दोस्तों, बट यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो देख सकते हो स्मूथ करने के बाद जो हमारे पीछे काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लग रहा है, जो हम लोगों का ये वाला एरिया है उसको भी हम लोग यहाँ कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेते हैं। अब बच गया जो हम लोगों का ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे यहाँ से स्मूथ करेंगे दोस्तों कुछ इस टाइप से। उसके बाद यहाँ हम लोग को हेयर कैसे गिराना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो फेस को स्मूथ करने के बाद जो हम लोगों का पीछे काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लग रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करना क्या है जो हम लोगों का, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को हेयर गिराना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फिर से अपना ब्रश चेंज करेंगे और यहाँ जाएंगे हम लोग अपना जो पहले हेयर एडिटिंग किए थे वो वाला ब्रश को ले लेंगे, अपना ये वाला ब्रश, ठीक है। और यहाँ कलर पे आके दोस्तों हम लोग अपना फिर से यहाँ से अपना वाइट कलर चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप लोग हेयर को गिराओ ना तो आप लोगों को यहाँ सामने से ही गिराना है, तभी आप लोगों को एकदम रियलिस्टिक तरीके से लगेगा। यहाँ देख सकते हो मैं किस तरीके से गिरा रहा हूँ, आप लोगों को भी ना दोस्तों कुछ इसी तरीके से अपना हेयर को ड्रॉ करके कुछ इस टाइप से गिरा लेना है। तो हम लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे गिरा लेंगे, ठीक है दोस्तों। बस यहाँ ज़्यादा नहीं गिराएंगे वरना ख़राब लगेगा हम लोगों का, तो हम लोग कुछ इतना सा ही यहाँ पे गिराएंगे, हो चुका। देन उसके बाद हम लोगों को फिर से जाना है अपना कलर पर दोस्तों, और यहाँ से हम लोग अपना फिर से वाइट कलर की जगह ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोगों को फिर से यहाँ पर कुछ इस टाइप से हेयर ड्रॉ करना है, जो देखने में दोस्तों काफ़ी हार्ड लेवल का लगेगा। उसके बाद यहाँ आप लोग खुद ही देख सकते हो और जो हमारा पीक है वो भी कितना नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग ना दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो ना तो आप लोग भी प्रोफेशनल तरीके से अपना हेयर फेस स्मूथ कम्प्लीट फोटो एडिटिंग आज की वीडियो में आप लोगों को सिखा देगा दोस्तों। जो देख सकते हो एकदम नेक्स्ट लेवल का हम लोगों का जो फोटो एडिटिंग है हो चुका और काफ़ी मस्त भी लग रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ आप लोगों को ना भी ना कुछ इस टाइप से जो अपना हेयर गिराना चाहते हो तो कुछ इस टाइप से यहाँ सामने से आप लोगों को हेयर को ड्रॉ करके कुछ इस टाइप से अपना हेयर को गिरा लेना है, जो देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में जो हमारा पिक है। तो दोस्तों हम लोगों का हेयर तो एडिटिंग हो चुका, पहले आप लोगों को क्या करना है इस पिक को ना दोस्तों आप लोगों को यहाँ से कर लेना है थ्री डॉट पर जाके फाइनली पिक को यहाँ से सेव, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और भाई वीडियो को भगा के देखो कि फिर बोलोगे कि जो हेयर एडिटिंग बता रहा है भाई वो सब फेंक है। तो भाई आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो यार, मैं नहीं देखता दोस्तों, तो इसलिए आप लोग हेयर एडिटिंग और फेस स्मूथ अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना बोल के।